नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव के विषय में। 20 नवंबर यानी कि आज देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है, अपनी नीच राशि मकर को छोड़कर कुंभ में आ गए हैं। साथियों, बृहस्पति हमारे सौरमंडल के सबसे ज़्यादा बड़े और शुभ ग्रह हैं। ज्ञानम सद्गुण मातमजम च सचिवम स्वाचार्य माचार्यकम। बृहस्पति के अस्त अवस्थाओं में जाने पर, बृहस्पति के नीच राशि में जाने पर समस्त भूमंडल की शुभता अस्त हो जाती है। तो बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन चार राशियों को करोड़पति अरबपति बना करके जाएगा, चार राशियों को मालामाल करेगा। चार राशियों के लिए मध्यम रहेगा और चार राशियों के लिए यह परिवर्तन बेहतर नहीं रहने वाला है। आज की वीडियो में समस्त 12 राशियों का फलादेश मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपनी राशि को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। मान लिया आप सारी 12 राशियों का नहीं जानना चाहते तो थोड़ा वीडियो को आगे पीछे कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से 11वें स्थान में बृहस्पति जाएंगे, एकादश भाव में। साथियों, सबसे ज़्यादा शुभ बृहस्पति का यह गोचर मेष राशि एवं मेष लगन वाले जातकों के लिए रहने वाला है, क्योंकि 11वें स्थान में बृहस्पति आपकी इनकम के, आपके आय के सारे रास्ते खोल देंगे। आपको 20 नवंबर से लेकर के यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे 13 अप्रैल 2022 तक, तो खूब धन लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि एवं लगन वाले जातकों को भी बहुत बड़े स्तर पर धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति रहेंगे, आपके 9वें घर में बृहस्पति रहेंगे, आपको कैरियर में सपोर्ट मिलेगा। वहाँ से बृहस्पति आपके लगन और पंचम दोनों भावों को देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित आपको लाभ होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ आपको समाचार मिलेंगे, संतान की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होगा। आपकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो आप उनको सफलता मिलेगी। आप मंत्र साधक हैं तो भी आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलने के योग हैं। अगली राशि है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि से 5वें स्थान में बृहस्पति रहेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग के साथ साथ आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। रोमांटिक लाइफ आपकी पहले से बेहतर होगी, पत्नी और प्रेमिका के साथ में आपके संबंध पहले से ज़्यादा मधुर और बेहतर हो जाने वाले हैं। 5वें बैठकर बृहस्पति आपके भाग्य स्थान यानी कि 9वें और लगन पर दृष्टि करेंगे तो दोस्तों आपके लिए भी परिणाम बेहतर से बेहतर आने वाले हैं। अपने व्यापार को बढ़ाएं, उच्च पद की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, यह टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। अगली राशि है मकर। मकर राशि से बृहस्पति 2रे स्थान में, जो धन वाणी और कुटुंब का माना जाता है, वहाँ पर रहेंगे। साथियों, संचित धन आपका बढ़ेगा यानी कि जो आपका बैंक बैलेंस है इस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अपनी वाणी के द्वारा आप बहुत सारा धन कमा पाएंगे, बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। अब जो है बात कर लेते हैं जो राशियाँ मध्यम रहने वाली हैं उनके विषय में। वृषभ राशि से 10वें स्थान में बृहस्पति रहेंगे तो आपके साथ मिला जुला फल रहेगा, व्यापार में तनाव के साथ धन लाभ की स्थिति आपको बनेगी। धनु राशि से 3रे बृहस्पति रहेंगे, पराक्रम मेहनत तो आप बहुत करेंगे लेकिन उस मेहनत का फल आपको मेहनत के बराबर नहीं, कुछ कम प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा, आप जितना प्रयास करेंगे उससे कुछ कम फल की प्राप्ति आपको होगी। उपाय के लिए आप भगवान नारायण का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। कुंभ राशि से 1ले स्थान में बृहस्पति रहेंगे तो साथियों, कुंभ राशि वाले जातकों को भी मध्यम और मिले जुले परिणाम रहेंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत बढ़िया खबर नहीं है, लेकिन 1ले स्थान में बैठकर आपके नवम पंचम पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की और आपके व्यापार पर दृष्टि रहेगी
तो संतान पक्ष की तरफ से आपको अच्छी खबर मिलेगी, व्यापार में आपको लाभ होगा, मनचाही पत्नी प्राप्ति के योग बनेंगे और नौवें घर पर आपके भाग्य पर दृष्टि होने से बृहस्पति की आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। आपके लिए भी कुल मिलाकर के तो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखना पड़ सकता है। सिंह राशि से सातवें स्थान में बृहस्पति रहेंगे।